सभी को नमस्कार। और जैसा कि हम लोग UPSC मेंस के पेपर को देख रहे हैं और 2023 का प्री एग्ज़ाम आपका हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा वो मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। तो मेंस देने से पहले सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 2021 के UPSC के एग्ज़ाम में GS पेपर थर्ड किस टाइप का आया था, आइए ज़रा उसको देखते हैं। तो समय रहता है 3 घंटा और अधिकतम अंक 200। 2021 GS पेपर थर्ड, कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और दो सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और बी में। सेक्शन ए में दोनों सेक्शन में जो है कि 10-10 क्वेश्चन होते हैं और शब्द सीमा सेक्शन ए की 125 और सेक्शन बी की 200 होती है और सभी प्रश्न जो है अनिवार्य होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या करें, भारत के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार तथा वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा करें। आगे चलते हैं कि समावेशी विकास की रणनीति किस प्रकार समावेशी एवं धारणीयता के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने का प्रयोजन रखती है, समझाएं। सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या है, इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं हैं, इन बाधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन करें। उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, इसका मूल्यांकन कीजिए। आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों और कार्यों का उल्लेख करें। विद्रोह यानी कि विप्लव से क्या तात्पर्य है, व्याख्या करें। आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में भारत में राष्ट्रीय नीति क्या है, विस्तारपूर्वक समझाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताएं, आप अपने को साइबर अपराधों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता एवं मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर है, तार्किक तर्कों के साथ विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 21-22 बजट में शुरू की गई नई परियोजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करें। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या हैं, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम का उल्लेख करें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए तथा इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभावों पर चर्चा कीजिए तथा इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती की प्रवृत्तियों से निपटने हेतु बजटीय रणनीति की समीक्षा करें। आतंकवाद और भ्रष्टाचार किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं, समीक्षा करें। और नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने प्रभावी हैं उल्लेख कीजिए। साइबर डोमेन डोम परियोजना क्या है, साइबर डोम परियोजना क्या है, भारत में इंटरनेट अपराध रोकने में यह कैसे उपयोगी है, व्याख्या करें। तो ये आपका क्वेश्चन था, थैंक यू सभी को।